A very good morning to all dear parents and my dear students. Once again, welcome to online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar, class senior KG. Take out your books of I love cursive writing. कौन सी बुक निकालनी है बच्चों आपको? I love cursive writing. Cursive writing and page number 13. Page number 13, lecture number 12. Today we will do the practice. Joining vowel A. पिछले वीडियो में आपने क्या किया था? लोअर केस लेटर्स को वोवल ई के साथ ज्वाइन करना सीखा था. आज हम उसी का प्रैक्टिस करेंगे. ओके, नाउ टेक आउट योर पेंसिल एंड इरेजर एंड होल्ड योर पेंसिल लाइक दिस. आपको पेंसिल कैसे पकड़नी है बच्चों? लाइक दिस. नाउ जो विथ मी. See here, you have to join the dots. आपको क्या करना है? Dots को join करना है. See here, you have to join E, vowel E and A, A for apple. Now, you have to know the how many types of vowel. Vowel कितने types के होते हैं बच्चों? 5 types के. Speak with me. A, E, I, O, U. कितने टाइप्स के वोवल हो गए? 5 टाइप्स के. नाउ क्या करना है आपको आगे? डॉट्स गिवन नहीं है, सो आपको विदाउट ट्रेसिंग लिखना है. आपको लोअर केस लेटर्स से पहले वोवल ई ज्वाइन करना है. ओके, नाउ अगेन ए फॉर एप्पल. देन अगेन आपको क्या करना है? वापस लिखना है लेटर ई, देन ए, ए फॉर एप्पल. नाउ व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल? ए पी पी एल ई. अगेन ए फॉर एप्पल के बाद क्या आता है? बी, बी फॉर बॉल. देन बी फॉर बॉल से पहले क्या लिखना है? ई, वोवल ई ज्वाइन करना है. अगेन रिपीट विथ मी, डॉट्स को मैच कीजिए, लेटर ई, देन आपको बी ज्वाइन करना है. बी फॉर बॉल. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बॉल? बी ए एल एल, बॉल. नाउ अगेन ड्रो विथ मी लेटर ई, देन B, B for ball. What is the spelling of ball? B, A, L, L. Now, B for ball के बाद कौन सा letter आता है? C, C for cat. Then, C for cat से पहले क्या करना है आपको? E, vowel E को join करना है. Put your pencil on a dot, draw a curve and a semicircle, letter E. Then, आपको क्या join करना है? C, C for cat. What is the spelling of cat? C, A, T, cat. Now, C for cat के बाद कौन सा letter आता है बच्चों? D, D for duck. D for duck. Then, आपको क्या करना है? D for duck से पहले letter E, vowel E join करना है. Okay? Now, put your pencil on the dot. Draw with me a curve, then a semicircle. Letter E, then join a D. Okay? Letter D, D for duck. What is the spelling of duck? D, U, C, K, duck. आपको क्या करना है बच्चों? Lower case letters से पहले vowel E join करके लिखना है. Okay? Vowel E join करके लिखना है. Now, D for duck के बाद कौन सा letter आता है? E, E for elephant. E for elephant. Then, E for elephant से पहले वापस क्या join करोगे? E, vowel E. This is E. Now again E. E. E for elephant. What is the spelling of elephant? E, L, E, P, H, A, N, T. Elephant. Now again E for elephant ke baad kaun sa letter aata hai? F. F for fish. Now F for fish se pehle kya join karna hai bachcho? E. E for elephant. E is vowel. So put your pencil on a dot, draw a curve and a semicircle. Now draw F, F for fish कैसे लिखते हैं बच्चों? Draw a slanting line, a curve, F, letter F, F for fish. What is the spelling of fish? F, I, S, H, fish. Now F for fish के बाद कौन सा letter आता है बच्चों? G, G for grabs. G for grabs. Now, G for grabs से पहले क्या करोगे बच्चों?
वोवेल ई ज्वाइन करके लिखोगे. वी हैव टू ज्वाइन वोवेल ई विद द लोअर केस लेटर्स. नाउ ड्रॉ विथ मी, पुट योर पेंसिल ऑन अ कर्व, ड्रॉ ई, ई फॉर एलिफेंट एंड जी, जी फॉर ग्रैब्स. दिस इज लेटर जी. वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ ग्रैब्स? जी आर ए पी ई एस, ग्रैब्स. नाउ जी फॉर ग्रैब्स के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? एच. एच फॉर हाउस. एच फॉर हाउस. नाउ अगेन वी हैव टू ज्वाइन वोवेल ई विद द एच. आपको लोअर केस लेटर से पहले क्या ज्वाइन करना है? वोवेल ई. अगेन रिपीट विद मी, कर्व एंड सेमी सर्कल, देन क्या करना है? एच लिखना है. हियर इज द एच. एच फॉर हाउस. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हाउस? एच ओ यू एस ई, हाउस. दिस इज एच फॉर हाउस. ओके, नाउ एच फॉर हाउस के बाद कौन सा लेटर आता है? आई. आई फॉर इग्लू. नाउ अगेन आई फॉर इग्लू से पहले वोवेल ई ज्वाइन करना है. क्या ज्वाइन करना है? वोवेल ई. पुट योर पेंसिल ऑन अ डॉट, ड्रॉ अ कर्व एंड अ सेमी सर्कल, लेटर ई, देन आई. आई फॉर इग्लू. नाउ अगेन व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इग्लू? स्पीक विथ मी, आई जी एल ओ ओ, इग्लू. आई फॉर इग्लू के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? जे. जे फॉर जोकर. जे फॉर जोकर. स्पीक विथ मी, जे फॉर जोकर. नाउ जे फॉर जोकर के बाद कौन सा लेटर, जे फॉर जोकर से पहले कौन सा लेटर ज्वाइन करोगे? वोवेल ई ज्वाइन करोगे. स्पीक विथ मी, पुट योर पेंसिल ऑन अ डॉट, ड्रॉ अ कर्व, सेमी सर्कल एंड जे फॉर जोकर. कहाँ से ज्वाइन करा है आपने? फ्रॉम हियर एंड अ डॉट. जे फॉर जोकर. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ जोकर? स्पीक विथ मी, जे ओ के ई आर, जोकर. नाउ जे फॉर जोकर के बाद कौन सा लेटर आता है? के. के फॉर काइट. के फॉर काइट. नाउ अगेन के फॉर काइट से पहले वोवेल ई ज्वाइन करोगे. क्या करोगे? वोवेल ई. नाउ पुट योर पेंसिल हियर, ड्रॉ अ कर्व, सेमी सर्कल एंड आपको के फॉर काइट कहाँ से ज्वाइन करना है? फ्रॉम हियर एंड दिस इज के फॉर काइट. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ काइट? के आई टी ई, काइट. नाउ अगेन के फॉर काइट से पहले क्या करना है? वोवेल ई ज्वाइन करना है. व्हाट वी हैव टू ज्वाइन? वोवेल ई. पुट योर पेंसिल ऑन अ डॉट, ड्रॉ अ कर्व एंड अ सेमी सर्कल. नाउ यू हैव टू ज्वाइन के फॉर काइट फ्रॉम हियर, ड्रॉ अ स्लैंटिंग लाइन एंड अ कर्व एंड अ लूप. दिस इज लेटर के. के फॉर काइट. नाउ अगेन व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर? एल. एल फॉर लायन. नाउ अगेन वी हैव टू ज्वाइन वोवेल ई बिफोर द लेटर एल. पुट योर पेंसिल ऑन अ डॉट, ड्रॉ अ कर्व एंड अ सेमी सर्कल. फ्रॉम हियर वी हैव टू ज्वाइन लेटर एल. एल फॉर लायन. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लायन? स्पीक विथ मी, एल आई ओ एन. अगेन ड्रॉ अ कर्व, सेमी सर्कल, एल एंड आई. एल आई ओ एन, लायन. नाउ एल फॉर लायन के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? एम. एम फॉर मंकी. एम फॉर मंकी. नाउ अगेन वी हैव टू ज्वाइन वोवेल ई बिफोर द एम. पुट योर पेंसिल ऑन अ डॉट, ड्रॉ अ कर्व एंड अगेन सेमी सर्कल, ई, देन एम. एम फॉर मंकी. दिस इज लेटर एम. नाउ अगेन ड्रॉ विथ मी ई. ई फॉर एलिफेंट एंड एम. एम फॉर मंकी. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मंकी? एम ओ एन के ई वाई, मंकी. नाउ एम फॉर मंकी के बाद कौन सा लेटर आता है? एन. एन फॉर नेस्ट. वी हैव टू ज्वाइन वोवेल ई बिफोर द लेटर एन. पुट योर पेंसिल ऑन अ डॉट, ड्रॉ अ कर्व, अ सेमी सर्कल एंड अ लेटर एन. एन फॉर नेस्ट.
व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नेस्ट? एन ई एस टी, नेस्ट. नाउ एन फॉर नेस्ट के बाद ओ फॉर आउल. नाउ ओ फॉर आउल से पहले क्या ज्वाइन करना है? अगेन वोवल ई. रिपीट विद मी, वोवल ई. दिस इज लेटर ओ, ई एंड ओ. ओ फॉर आउल. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आउल? ओ W L, आउल. नाउ O फॉर आउल के बाद P, P फॉर पिकॉक. P फॉर पिकॉक. नाउ पुट योर पेंसिल ऑन अ डॉट, ड्रॉ अ कर्व एंड लेटर E. E के बाद लेटर P ज्वाइन करना है. क्या ज्वाइन करना है? P, P फॉर पिकॉक. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पिकॉक? P E A C O C K, पिकॉक. नाउ P फॉर पिकॉक के बाद कौन सा लेटर आता है? Q, Q फॉर क्वीन. नाउ Q फॉर क्वीन से पहले लेटर E, देन Q. Q को कहाँ से ज्वाइन करना है? फ्रॉम हियर. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ क्वीन? Q U E E N. नाउ अगेन ड्रॉ विथ मी, लेटर ई देन क्यू, क्यू फॉर क्वीन. नाउ क्यू फॉर क्वीन के बाद कौन सा लेटर आता है? आर, आर फॉर रैबिट. देन अगेन जॉइन ई देन आर, आर फॉर रैबिट. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रैबिट? स्पीक विद मी, आर ए बी बी आई टी, रैबिट. नाउ आर फॉर रैबिट के बाद S, S for cellar, S for cellar. Now here we have to join vowel E again, then S for cellar. What is the spelling of cellar? Speak with me, S A I L O R, cellar. Now S for cellar के बाद कौन सा letter आता है? T, T for tap, T for tap. देन आपको क्या करना है? टी फोर टैप से पहले अगेन वोवल ई ज्वाइन करना है. पुट योर पेंसिल ऑन अ डॉट, ड्रॉ अ कर्व देन अ सेमी सर्कल देन ड्रॉ अ टी, टी फोर टैप. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टैप? टी ए पी टैप. नाउ अगेन पुट योर पेंसिल हियर, ड्रॉ अ कर्व देन अ सेमी सर्कल ई देन अगेन टी. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टैप? टी A P tap. Now T for tap के बाद U, U for umbrella, U for umbrella. Now you have to join letter E before the U. U for umbrella से पहले क्या लगना है? E, vowel E join करना है. What is the spelling of umbrella? U for umbrella. Spelling U M B R E L L A, umbrella. Now U for umbrella के बाद V, V for van, V for van. Again put your pencil on a dot, draw a letter E then V, V for van, V for van. What is the spelling of van? V A N, van. Now V for van के बाद W, W for watch, W for watch. Then E join करना है यहाँ से, then W, W for watch. Again join W for watch. What is the spelling of watch? W A T C H, watch. Again join, put your pencil on a dot, draw a curve and a semicircle and W, W for watch. Now W for watch के बाद X, X for Xmas tree. X for Xmas tree से पहले E, then W. Sorry, X, X for Xmas tree. What is the Xmas? What is the spelling of Xmas? Speak with me. X M A S, Xmas. Now Y, X for Xmas के बाद क्या आता है? Letter Y. What is this? Now क्या करना है? Y से पहले E join करना है. So E
देन वाई, वाई फॉर याज, वाई फॉर याज. वट इज द स्पेलिंग ऑफ याज, स्पीक विद मी. वाई ए टी सी एच याज. वाई फॉर याज के बाद लेटर जेड, जेड फॉर जेबरा, जेड फॉर जेबरा. पुट योर पेंसिल ऑन अ डॉट, ड्रो लेटर ई, देन जेड, जेड फॉर जेबरा. अगेन ड्रो विथ मी लेटर ई, देन जेड, जेड फॉर जेबरा. नाउ वॉट यू हैव टू डू, देन वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ जेबरा, स्पीक विथ मी. जेड ई बी आर ए, जेबरा. Now what you have to do in homework, you have to practice joining vowel E in the I love cursive writing book and click a picture of it, send it to the school WhatsApp number. आपको homework में क्या करना है, आपको page number 13 पर joining vowel E की practice करनी है, then आपको pic क्लिक करके school WhatsApp number पर send करना है. Okay, till then take care and keep studying.